नमस्कार, बरबड़ा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी सेट राजस्थान स्लेट एग्जाम करवाने जा रहा है, तो आपके लिए मैं काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ तथ्य लेकर हाजिर हुआ हूं दोस्तों, तो ध्यान में रखें। पहले भी मैंने काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ तथ्य पेश किए हैं, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, है ना, काव्य प्रयोजना, तो आप थोड़ा ध्यान दें। तो काव्य हेतु के बारे में बात करने जा रहा हूं। अभी सिलेक्ट राजस्थान सिलेक्ट होने जा रहा है, नेट भी होगा और प्राध्यापक कॉलेज शिक्षा की भी भारी तादाद में वैकेंसी आने वाली है, DSSP की आने वाली है और KV का भी एग्जाम हुआ है, RPSC भी सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी करने जा रही है। तो देखिए दोस्तों, आप ध्यान दें, जो मैं पार्ट लेके आ रहा हूँ मेरे पर्सनल खुद के नोट्स हैं और बहुत ही अच्छे सिस्टमिक ढंग से बनाए हुए नोट्स हैं। आप जरा थोड़ा एक बार भी इनका अवलोकन कर लेंगे तो आपके, हो सकता है मैं पूरा 100% नहीं कहूँगा, परंतु मेरा जहाँ तक ज्ञान है आपके नंबर बढ़ेंगे। सार मैं आपको दे रहा हूं जो मेरे नोट्स हैं। और बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर भी हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी काव्य शास्त्र पहले से ही चल रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाए और वीडियो खंगालें और उनको देखें। हिंदी साहित्य के इतिहास निरंतर जारी है, अभी आदिकाल हुआ है, भक्ति काल चल रहा है और काव्य शास्त्र भी चल रहा है। इसके साथ इंग्लिश के, साइंस के, इनके भी कुछ वीडियो है, वो आप देखें, अच्छा रहेगा। देखिए काव्य हेतु, काव्य यदि कार्य है तो हेतु उसके कारण है, ये बात आप ध्यान रखें। काव्य अगर हेतु है तो काव्य यदि कार्य है तो हेतु उसके कारण है, ये बात आप आराम से ध्यान रखें। काव्य यदि हेतु, काव्य यदि कार्य है तो हेतु उसके कारण है। बाबू गुलाब राय की परिभाषा है, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं, कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। यह बाबू गुलाब राय की परिभाषा है, बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, अक्सर पूछ ली जाती है जब हिंदी का पेपर होता है और जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र पूछा जाता है, उसमें अधिकतर ये परिभाषा पूछ ली जाती है, चाहे KV का पेपर हो, DSSB, NVS किसी का पेपर हो, प्राध्यापक कॉलेज शिक्षा हो, उसमें यह परिभाषा पूछी जाती है बाबू गुलाब राय की। तो आप ध्यान दें, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से हैं जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। दूसरा बिंदु यह है, भारतीय मनुष्यों ने भारतीय काव्य शास्त्र में 3 हेतु स्वीकार किए हैं। एक तो प्रतिभा जो जन्मजात हेतु है, ठीक है ना, प्रतिभा जो जन्मजात हेतु है। दूसरा व्यक्ति उत्पत्ति जो व्याकरणिक और साहित्यिक हेतु है। और तीसरा पूर्व अभ्यास जो निरंतर अध्ययन से संबंध रखता है, यह हेतु है। तीन हेतु माने गए हैं। काव्य हेतु में सर्वप्रथम विवेचन अग्नि पुराण में हुआ है, जो काव्य हेतु का जो प्रयोग है सर्वप्रथम अग्नि पुराण में हुआ है, ये बात आप ध्यान रखें। ये पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखें काव्य हेतु में सर्वप्रथम जो विवेचन है वो अग्नि पुराण में हुआ है, ये बात ध्यान रखें। प्रतिभा वेद ज्ञान और लोक व्यवहार, प्रतिभा वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। आगे मैं चौथे नंबर पर बात करूं आचार्य मम्मट के बारे में, तो मम्मट का इतिहास ग्रंथ है और अलंकार ग्रंथ है काव्य अलंकार। क्या नाम है? काव्य अलंकार। इसके बारे में ध्यान रखें, आचार्य मम्मट नहीं, आचार्य भामा का जो अलंकार ग्रंथ है काव्य अलंकार, उसमें बताया गया है गुरु देशापदोयम शास्त्रम जयधि मोयलम काव्यम जायते कश्यतिम प्रतिभावत, यानी प्रतिभा को ही काव्य सर्जन का मूल हेतु माना गया है, मूल हेतु माना गया है, प्रतिभा को ही काव्य सर्जन का मूल हेतु माना गया। अब परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जाए, या तो ये संस्कृत की जो लाइन है सीधी सीधी पूछ दी जाती है, किस ग्रंथ संबंधित है तो काव्य अलंकार, या किससे संबंधित है आचार्य भाम, या पूछ लिया जाता है प्रतिभा को ही काव्य सर्जन का मूल हेतु किसने माना है, तो आचार्य भाम आप दोस्तों इसमें सही करें। आगे मैं बात करूं आचार्य दंडी के बारे में, जिसका
अलंकार ग्रंथ है काव्यदश, दंडिका है काव्यदश, उसमें लिखा है नैसगरिकी च प्रतिभाव सुप्त बहु निर्मलम आनदास भियो ग्यास्या कर्णम काव्य संपदा। यानी अभ्यास को ही काव्य प्रमुख माना है, अभ्यास को ही काव्य प्रमुख माना है, ये आचार्य दंडी का मत है। अगला है आचार्य वामन। आचार्य वामन ने जो आचार्य वामन का जो ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, दोस्तों ध्यान रखें काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, उसमें लिखा है कवितो बीजम प्रतिभावन कवित्वस्य बीजम, यानी प्रतिभा को ही कवित्व, यानी प्रतिभा को ही कवित्व का बीज रूप मानकर उसे स्वीकार किया गया है आचार्य वामन के द्वारा। आचार्य वामन के द्वारा प्रतिभा को ही कवित्व का बीज रूप मानकर उसे स्वीकार किया गया है। ये बात आप हेतु के रूप में याद रखें, अच्छे से याद रखें, परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अगला है पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ का जो ग्रंथ है उसका नाम है रस गंगाधर। रस गंगाधर के बारे में याद रखें, और उसमें लिखा है तस्य च कारणम कविता गता केवलम प्रतिभा, यानी केवल प्रतिभा को ही काव्य का मुख्य कारण या हेतु माना गया है। बहुत अच्छा लिखा है, केवल प्रतिभा को ही काव्य का मुख्य कारण या हेतु माना गया है, यह पंडित राज जगन्नाथ ने माना है और उसका ग्रंथ है रस गंगाधर। अगला मैं आठ नंबर बात करूं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जिसमें लिखा है शक्ति निपुणा लोकशास्त्र काव्य देक्षणात काव्य शिक्षा अभ्यास इति हेतुस्तद भवे, यानी शक्ति निपुणता और अभ्यास को ही संयुक्त रूप से काव्य हेतु माना है आचार्य मम्मट ने। आचार्य मम्मट ने शक्ति निपुणता और अभ्यास तीनों को संयुक्त रूप से काव्य हेतु माना है, प्रतिभा शक्ति और व्यक्तिवृत्ति निपुणता। दोस्तों ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा सुपर ये क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है, इसको आप जहन में उतारे, स्क्रीनशॉट लेते रहें, वीडियो को पॉज नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें, अच्छा रहेगा। आगे मैं बात करूं नौ नंबर पे आचार्य हेमचंद्र। नौ नंबर पे आचार्य हेमचंद्र, तो हेमचंद्र का जो ग्रंथ है वो है शब्दानुशासन। हेमचंद्र का ग्रंथ है शब्दानुशासन, दोस्तों ध्यान रखें। इन्होंने लिखा है हेमचंद्र ने लिखा है प्रतिभाष्य हेतु प्रतिभान नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, यानी प्रतिभा को ही इन्होंने काव्य प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है, यह बात ध्यान में रखें। नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा यानी बुद्धि, प्रज्ञा यानी बुद्धि को ही प्रतिभा माना है। प्रतिभाष्य हेतु व्यक्तिपथाभायाम संस्कार, यानी प्रतिभा ही काव्य हेतु है और व्यक्तिपति अथवा अभ्यास को उस प्रतिभा का संस्कार या परिष्कार कहते हैं। यह आचार्य हेमचंद्र की परिभाषा है काव्य हेतु के संबंध में, और उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है शब्दानुशासन। साथ में ग्रंथ का भी दोस्तों ध्यान रखें, और संस्कृत शब्द और उनका सरलार्थ हिंदी दोनों याद रखें। कई बार परीक्षा में ऐसे संस्कृत में ही सीधा पूछ लिया जाता है किस ग्रंथ से संबंधित है, तो आचार्य है उस आचार्य ग्रंथ का नाम याद रखें, या किस आचार्य संबंधित है तो आचार्य हेमचंद्र, या प्रतिभा कोई काव्य हेतु माना है किसने माना, हेमचंद्र ने, है ना। और व्यक्तिपति तथा अभ्यास तो उस प्रतिभा का संस्कार या परिष्कार कहते हैं, ये किस काव्य किस काव्य अलंकार से काव्य ग्रंथ से संबंधित है, तो शब्दानुशासन हेमचंद्र से संबंधित है। तो आप इस तरीके से दोनों याद रखें दोस्तों। दस नंबर में बात करने जा रहा हूं मैं आचार्य भट्टौन। आचार्य भट्टौन लिखा प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, है ना, तो नवीन भावों से उन्मेष युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा गया है, ये भट्टौन का मत है, ध्यान रखें। नवीन भावों से उन्मेष युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा गया। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, प्रज्ञा का मतलब होता है दोस्तों बुद्धि, यानी नवीन भावों से उनमें से युक्त बुद्धि को प्रतिभा कहा गया है, यह आचार्य भट्टौन का मत है। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, तो परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता संबंध किसे है आचार्य भट्टौन, या पूछे नवीन भावों से उत्पन्न से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है किसने कहा है, आचार्य भट्टौन।
फिर आगे मैं बात करूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आचार्य रुद्रट। कई बार अधिकतर कॉलेज सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ये सवाल अधिकतर पूछा गया है, बहुत अधिक बार पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है आचार्य रुद्रट का। शक्ति व्यक्तिपति और अभ्यास को काव्य हेतु माना है, तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, शक्ति व्यक्तिपति और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु किसने माना है? आचार्य रुद्रट। ये बात आप ध्यान रखें। शक्ति यानी प्रतिभा के दो रूप बताए उन्होंने, एक तो सहज और दूसरी है ग्राह्य, यानी लोक व्यवहार से अर्जित, लोक व्यवहार से अर्जित। सहज यानी ऑटोमेटिक प्राप्त होना और ग्राह्य यानी लोक व्यवहार से अर्जित, दो इन्होंने शक्ति के रूप माने हैं और शक्ति व्यक्तिपति अभ्यास को काव्य हेतु मानने वाले आचार्य रुद्रट है। आगे मैं बात करूं आचार्य पंडित राजशेखर। पंडित राजशेखर का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। ध्यान रखें, काव्य मीमांसा पंडित राजशेखर के ग्रंथ का नाम है। प्रतिभा के इन्होंने दो भेद बताए। पहला है कार्यत्री प्रतिभा, दूसरी है भाव्यत्री प्रतिभा। दो प्रतिभा के भेद बताए पंडित राजशेखर ने, आचार्य पंडित राजशेखर ने। कवि उपकार करने वाली कार्यत्री है, कवि का उपकार करने वाली क्या कहलाती है? कार्यत्री। ठीक है ना, कवि का उपकार करने वाली कहलाती कार्यत्री, आप ध्यान रखें। और सहृदय का उपकार करने वाली है उसको कहते हैं भाव्यत्री। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप जहन में उतार लें। आचार्य अभिनव गुप्त ने भी हेतु के दो रूप माने हैं, कवि की प्रतिभा जिसको कहते हैं आख्या और समालोचक की प्रतिभा जिसको कहते हैं उपाख्या। बहुत अच्छा दोस्तों, आज इतना ही। कल मैं नए तथ्य के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ फॉरवर्ड करें, विशेष तौर से जो सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्लेट राजस्थान जो कॉलेज शिक्षक के लिए जो एग्जाम पात्रता एग्जाम होने जा रहा है उनकी तैयारी करने वाले, नेट की तैयारी करने वाले और कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले, पीजी की तैयारी करने वाले, विशेष तौर से उन लोगों के साथ आप फॉरवर्ड करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा भी हौसला बुलंद रहेगा, मैं नए नए तथ्य लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होने का प्रयास करूंगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।